की विशेष पेशकश आपनों गांव आपनी खबर में स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं आज 4 मार्च 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। गांव मोमासर में आयोजित होगी चंद्र प्रतियोगिता, गांव में जमने लगा फागुन के उत्सव का रंग। श्री डूंगरगढ़ में भी 5 मार्च से प्रारंभ होगा होली उत्सव। गांव कल्याण नया में श्री कृष्ण गौशाला में चल रही है श्रीमद भागवत कथा। सरपंच ने गौशाला में ट्यूबवेल निर्माण की घोषणा। रेल संघर्ष समिति ने डीआरएम से मुलाकात कर श्री डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। संघर्ष समिति के संघर्ष को 72 दिन हुए पूरे। समिति की मांगों पर प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया है कोई ध्यान। आरसेबास के श्याम मंदिर में 35वां वार्षिकोत्सव भव्य श्याम कथा के साथ प्रारंभ। संतोष सागर जी महाराज कर रहे हैं कथा का वाचन। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। क्षेत्र के सबसे बड़े गांव मोमासर में गिंदड़ कमेटी द्वारा मोमासर होली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव 7 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 8 मार्च को दोपहर को 1 बजे से 5 बजे के बीच चंद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में पूरी तहसील सहित बाहर से भी चंद कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देने आएंगे। तीनों दिन रात 9 बजे से गिंदड़ खेला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण भाग लेंगे। युवा कई तरह के स्वांग रचेंगे। गांव के नारायण सिंह ने टाइम्स के लिए फोटो और वीडियो उपलब्ध करवाए हैं। श्री डूंगरगढ़ में भी मोमासर वास में गिंदड़ का कार्यक्रम 5 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा।
रेल सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष तोड़ाराम मारू ने रेलवे डीआरएम से मिलकर श्री डूंगरगढ़ कस्बे में रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार की मांग की, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा मिल सके। मारू ने कहा कि एक नंबर प्लेटफॉर्म अत्यधिक नीचे है, जिससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने उतरने में परेशानी होती है, अतः प्लेटफॉर्म एक को ऊंचा करवाया जाए। रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी व निम्न श्रेणी के वेटिंग रूम नहीं है तो उनके निर्माण की भी उन्होंने मांग की। स्टेशन पर बने छपरे की लंबाई बढ़ाने की भी मारू ने डीआरएम से मांग की। प्रशासन द्वारा पालिका भूमि पर अवैध कब्जे हटाने के विरोध में व नए पट्टे जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे संघर्ष समिति के नागरिकों को आज 72 दिन पूरे हो गए हैं। ज्ञात रहे कई नेता धरना स्थल पर आकर राहत दिलाने का आश्वासन देकर गए हैं, परंतु अभी तक कोई राहत धरनार्थियों तक नहीं पहुंच सकी है। गोरक्षनाथ बस्ती में वीर तेजा कॉलोनी के धरनार्थियों ने प्रशासन की निंदा करते हुए संवेदनहीनता का आरोप लगाया। समिति संयोजक हेमनाथ जाकर, अध्यक्ष शिव तमणिया सहित बस्ती के लोग धरने पर बैठे हैं व सरकार तथा प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। आरसरवास में स्थित श्याम जी मंदिर में 35वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से आज प्रारंभ हुआ। ये उत्सव 6 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्याम कथा का वाचन भाई श्री संतोष सागर जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। आज सुबह भव्य कलश यात्रा के साथ कथा प्रारंभ हुई। 6 मार्च को भव्य जागरण के साथ कथा का समापन होगा, जिसमें झांकियां सजाई जाएगी। 7 मार्च को भंडारे का आयोजन सुबह 10 से 12 बजे होगा व शाम को शाम शोभा यात्रा भव्य झांकियों के साथ निकाली जाएगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्याम मंदिर पहुंचेगी। देश प्रदेश की खास खबरों के साथ श्री डूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र के सभी सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।